हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फिडजी टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन 2022 का सैंपल पेपर। दोस्तों, जो ये सैंपल पेपर है वो है फॉर क्लास 10th। वैसे बच्चे जो कि अभी क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे एंड बहुत जल्द दोस्तों आप लोग जाएंगे क्लास 11th में, मतलब कि 2023 के मार्च अप्रैल से दोस्तों आप लोग चले जाएंगे क्लास 11th में। एंड आप लोग के लिए दोस्तों जो पेपर है वो सैंपल पेपर 1 है। सिंपल पेपर दोस्तों 2 भी होता है, मतलब दो पेपर होता है आप लोग का। एंड दोनों पेपर दोस्तों एक दिन में ही देना होता है, मतलब कि 3 3 आवर्स का दो पेपर, 6 घंटा बैठकर दोस्तों आप लोग को टेस्ट देना रहता है इस फिटजी टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन का। एंड ये रहा पेपर 1, और पेपर 2 का भी वीडियो दोस्तों बहुत जल्द आएगा। और जैसे ही वीडियो आ जाएगा पेपर 2 का, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, सो डेट आप लोग डायरेक्ट जाकर देख सकें। अभी हम लोग बात करते हैं सैंपल पेपर फर्स्ट का। एंड अगर इसका बात करें टाइमिंग का तो दोस्तों 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स बात करें 243 है। एंड पेपर का डिजाइनिंग का दोस्तों बात करें तो टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। फर्स्ट सेक्शन में दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगा टोटल 30 रीजनिंग। एंड अगर आप लोग का रिस्पॉन्स सही होता है तो +3, और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स गलत होता है तो 0 मार्क्स। दोस्तों सेकेंड सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड थर्ड सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पर दोस्तों बायोलॉजी देखने को आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये रहा क्लास 10th के लिए सिंपल पेपर। एंड बहुत जल्द दोस्तों आप लोग जाएंगे 11th में, सो मतलब आप लोग इंजीनियरिंग वाले होंगे, मेडिकल वाले नहीं होंगे, नॉन मेडिकल वाले होंगे। एंड फिर जी दोस्तों इंजीनियरिंग के लिए ही करवाता है अपना कोचिंग। एंड मतलब फिर जी जो है मेडिकल वालों के लिए कोई भी अच्छा जगह नहीं है। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करें तो 93 है। यहाँ पर दोस्तों कोई सेक्शन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर। एंड फर्स्ट सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है, जिसका रिकमेंडेड टाइमिंग 60 मिनट्स रखा गया है, मतलब कि 1 आवर। यहाँ से आप लोग का टोटल 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर। ये रहा सेवेंथ विथ ऑप्शंस। एंड दोस्तों मैं इसी वीडियो के लास्ट में इन सभी क्वेश्चन के आंसर की भी प्रोवाइड करूंगा, सो डेट अगर आप लोग इस सैंपल पेपर को बनाते हो तो अपना आंसर की, ओरिजिनल आंसर की से मैच कर सको। एंड मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड घर पर बैठकर इसको बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों सिंपल पेपर है तो सेम पैटर्न भी रहेगा एंड सेम डिफिकल्टी लेवल भी रहेगा आप लोग के ओरिजिनल एग्जाम में। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, इसके बाद डायरेक्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 के लिए, एंड जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, एंड जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, 21 एंड 22, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 दोस्तों देख सकते हैं, एंड जस्ट इसके ऊपर डायरेक्शन दिया गया है फॉर क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, 25 एंड 26, 27, 28, 29 एंड लास्ट वन 30। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो रीजनिंग का क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है, मतलब कि हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बात आता है सेकंड सेक्शन का, जिसका रिकमेंडेड टाइमिंग 60 मिनट्स रखा गया है। पार्ट ए का बात करें दोस्तों तो फिजिक्स है, एंड यहाँ भी टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स है। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट बी में दोस्तों केमिस्ट्री है, एंड यहाँ भी टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 53 एंड 54। तो
यहाँ पर आप लोग का दोस्तों जो केमिस्ट्री था पार्ट बी वो भी कंप्लीट होता है। अब बात आता है पार्ट सी मैथमेटिक्स का। यहाँ पर टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60, 61 भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64, 65 एंड 66। तो यार यहाँ पर हमारा पार्ट सी मैथमेटिक्स से कंप्लीट होता है टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब बात आता है दोस्तों थर्ड सेक्शन यानी कि लास्ट सेक्शन का, जिसका रिकमेंडेड टाइमिंग 60 मिनट्स रखा गया है। पार्ट ए का दोस्तों बात करें तो फिजिक्स है एंड यहाँ पर टोटल टू दोस्तों यहाँ पर टोटल 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा एंड क्वेश्चन नंबर 67, 68 एंड 69। क्वेश्चन नंबर 70, 71 एंड 72। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, 74 एंड 75। यार यहाँ पर हमारा जो फिजिक्स था पार्ट ए कंप्लीट होता है। अब बात आता है पार्ट बी का केमिस्ट्री। यहाँ भी 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 एंड 80। इसके बाद 81, 82, 83 एंड 84। यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री से टोटल 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं एंड अब हमारा पार्ट सी जो कि है लास्ट पार्ट इस सिंपल पेपर का एंड यहाँ भी टोटल 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 85, 86, 87, 88 एंड 89। और दोस्तों अगर आप लोग जाएंगे ऑफलाइन इस टेस्ट को देने तो आप लोग को वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा सीट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फॉर रफ वर्किंग। जो भी रफ वर्क करना है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पर ही आप लोग को सफिशियंट स्पेस दिया गया रहता है, यहीं पर आप लोग को रफ वर्क करना होता है एंड ना ही आप लोग कोई भी एक्स्ट्रा सीट अपने घर से ले जा सकते हो फॉर रफ वर्किंग। जो रफ करना है यहीं पर करना है इतना ही स्पेस में एंड क्वेश्चन नंबर 90, 91, 92 एंड 93। तो यार यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पेपर था कंप्लीट होता है एंड अब बात आता है आंसर की का। तो दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर फिटजी टैलेंट रिवार्ड एग्जाम 2022 क्लास 10th गोइंग टू क्लास 11th एंड पेपर वन का दोस्तों सिंपल पेपर का आंसर की आप लोग के स्क्रीन पर। पेपर टू भी दोस्तों बहुत जल्द आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एंड 1 से लेकर 52 तक के आंसर की आप लोग के स्क्रीन पर। इसके बाद 53 से लेकर दोस्तों 93 तक के आंसर की आप लोग के स्क्रीन पर। अगर मैं दोस्तों चाहूँ एक पेज में सभी आंसर की शो करना तो 1 से लेकर दोस्तों 93 तक के आंसर की आप लोग के स्क्रीन पर। एंड यार फाइनली हमारा यही था सैंपल पेपर ऑफ फॉर क्लास 10th गोइंग टू 11th पेपर वन। पेपर टू दोस्तों बहुत जल्द आएगा एंड जैसे ही आ जाएगा मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो डैट आप लोग जाकर डायरेक्ट देख सकें। एंड फाइनली यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आप लोग इस एग्जाम को देते हैं तो हमारे तरफ से यार बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।